दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12th विषय फिजिक्स यानी भौतिकी का। दोस्तों यहां पर अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र का दोस्तों एक वायरल पेपर मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, जो कि आपका 3 घंटे का 70 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं यह प्रश्न पत्र। दोस्तों मुझे एक स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पर भेजा कि सर यह पेपर कन्फर्म है कल के लिए या नहीं, तो मुझे लगा मैं आप लोगों को बता दूं कि यह पेपर कल के लिए आ सकता है या नहीं आ सकता, इसमें क्या क्या खूबियां हैं, जो यह पेपर एमपी बोर्ड का 12th का अर्धवार्षिक का पेपर है या नहीं है या फिर किसी ने इसे क्रिएट किया है, इन सारी बातों को ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप निर्देश को समझिए दोस्तों। यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि इस पत्र में 3 खंड बनाए गए हैं, 3 खंड आ, बा और सा है। पहले खंड में यहाँ पर बताया गया कि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे दोस्तों, वो भी कितने हैं, 21 दिए गए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सभी का एक एक नंबर आपको डिसाइड किया गया है। बाकी के खंडों की बात कर लेते हैं, यहाँ पर अलग अलग है, 2 से आपको जो 14 है उसमें से अलग अलग प्रश्न दिए गए हैं, उनके अंक भी निर्धारित कर दिए गए हैं, 3 अंक रहेंगे। शब्द सीमा आपको 75 से 100 वर्डों में बताई जा रही दोस्तों। खंड सा की बात कर ले, इसमें आपको विश्लेषणात्मक प्रश्न दिए जाएंगे जो कि आपको 15 से 27 तक होंगे, और 7 प्रश्न दिए जाएंगे जिसे आपको 4 अंक में करना है और 120 से 150 शब्दों में आपको नोट करके बताना है दोस्तों। ये आपका तो मेन पॉइंट हो गया। आप समझ लेते हैं इसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पर सही विकल्प आप देख सकते हैं, सबसे पहले 21 सही प्रश्न है जो सही विकल्प दिए गए हैं, उसे आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, शायद अगर ये कल के पेपर में होगा तो आपके एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो आप एक बार पूरे के पूरे सही विकल्प को देख लीजिए, फिर मैं आपको प्रश्नों को भी बता दूंगा और लास्ट में आपको बताऊंगा कि ये पेपर आपका गिस पेपर है या फेक पेपर है या फिर किसी ने इसे तैयार किया है। देखते हैं सबसे पहले, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न से स्वतंत्र होता है। स्वप्रेरकत्व का मात्रक है। एक प्रणालिका की कुल लंबाई की अपरिवर्तित रखते हुए प्रणालिका में फेरों की संख्या दुगनी कर दी जाए तो उसका स्वप्रेरकत्व हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स एसआई मात्रक है। तरंग भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। 2 कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो प्राथमिक कुंडली में धारा क्या बहेगी, एक संधारित अपने में से गुजर जाने देता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती परिपथ में बाटहीन धारा होती है, यदि संभव प्रतिपत हो प्रतिघात का मात्रक बताइए, परिपथ के अनुनादी आवृत्ति बताइए, ट्रांसफार्मर कोड को निम्न प्रभाव कम करने के लिए प्रचलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, त्वरित आवेश उत्पन्न करता है, विस्थापन धारा निम्न में उत्पन्न होती है, निम्न में से आवृत्ति सबसे कम किसकी है, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग के आविष्कारक कौन थे। ये सभी प्रश्न हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव हैं। इन प्रश्नों के आपको आंसर को खुद ढूंढ लेना है, क्योंकि अगर ऐसे ऑब्जेक्टिव आते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं दोस्तों। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट भी है और कई बार ये बोर्ड प्रश्न पत्र में पूछे भी गए हैं कई ऑब्जेक्टिव, अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको भी जानकारी मिलेगी दोस्तों। अगर आप पहले भी स्टडी मटेरियल से पढ़ते होंगे तो आपको पहले भी सो जाएगा, तो इस बात को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जरूर पूछा गया है, लेकिन अभी इसमें कंफर्म नहीं कि ये कल का पेपर हो सकता है या नहीं हो सकता, मैं लास्ट को आपको कंफर्म कर दूंगा, इसलिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। आगे बात कर ले दोस्तों, तो यहां पर पूछा जा रहा है व्यतिकरण होता है, ज्यामितीय संख्या में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा है, तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती हैं, एक तरंगार्घ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच कालांतर होता है दोस्तों। इस तरह से पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव आपके यहाँ कन्फर्म हो गए दोस्तों, सारे ऑब्जेक्टिव आप बकायदा देख सकते हैं, इन सभी प्रश्नों के आपको आंसर भी ढूंढ लेना है दोस्तों। इनमें से कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके अर्धवार्षिक के लिए, तो इसमें से कुछ फायदा आपका हो सकता है। बात कर ले प्रश्नों की, तो प्रश्नों में आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है 3 है 4 है 5 है, सभी प्रश्नों के अलग अलग यहाँ पर प्रश्न पूछे गए, सभी के अलग अलग नंबर आपको दिए जाएंगे। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जैसे ये है, एक विद्युत परिपथ को तोड़ दिया जाए तो उनसे बिजली की चिंगारी निकलती है दोस्तों, क्यों निकलती है इसका कारण बताइए। दूसरा प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से व्हीटस्टोन सेतु के प्रयोग में पहले सेल कुंजी तथा फिर धारामापी कुंजी क्यों दबाई जाती है, ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अगर ये इस प्रश्न में आते हैं तब भी इंपॉर्टेंट है और आपके कल के पेपर। डाउटनेट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर।
3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों, ठीक है। बात कर लेते हैं आगे प्रश्नों की, तो प्रश्न नंबर 6, 7, 8, 9 देख सकते हैं, तो इसमें से आप देख सकते हैं 8 और 9 दोनों में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए दोस्तों यहाँ पर, कि प्रत्यावर्ती धारा में विद्युत अपघटन नहीं होता है क्यों? श्रेणी और समांतर अनुनादी परिपथ में अंतर को लिखिए, या एसी परिपथ में संधारित्र के प्रतिघात में क्या तात्पर्य है, इसका व्यंजक निरूपित कीजिए दोस्तों। ये ऐसे प्रश्न है जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे और इस प्रश्न पत्र में पूछे भी गए हैं, ठीक है। चलिए आगे की बात कर ले दोस्तों, आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 10, 11, 12, 13, 14 आप यहाँ पर देख सकते हैं 13वां नंबर, अध्रुवित प्रकाश और समतल ध्रुवित प्रकाश में अंतर को स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे आप 100% पढ़ के रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों, ये आपका जो तंगस्ट्रा में ये पूछा जा रहा है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं न्यूमेरिकल के तौर पर, न्यूमेरिकल आप यहाँ भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। 2 न्यूमेरिकल ये कंफर्म कर लेंगे आप। आगे के प्रश्नों की बात कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 15 देखते हैं दोस्तों, 15 है, 16 है, 17 और 18 ये ऐसे प्रश्न है जो कि आपको न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, न्यूमेरिकल भी आपको कंप्लीट कर लेना है। एक ही अध्याय से पूरे के पूरे न्यूमेरिकल पूछे गए आपसे, तो ऐसा कर सकते हैं कि आप पूरे के पूरे अध्याय को बिल्कुल न्यूमेरिकल से बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए, ताकि आपके जितने भी यहाँ से प्रश्न बने सब के सब आप बड़ी आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। आप यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स को ले सकते हैं, कुछ अपने स्टडी मटेरियल से ढूंढ लीजिएगा, जहां पर आपको बेटर लगता हो वहां से आप बिल्कुल अपने स्टडी मटेरियल से न्यूमेरिकल को कंफर्म कर ले, क्योंकि कल के पेपर में उम्मीद लगाई जा रही है कि कल के पेपर में न्यूमेरिकल के सवाल ज्यादा होंगे थ्योरिकल की अपेक्षा, ठीक है। अब आगे प्रश्नों की बात कर लेते हैं दोस्तों, एसी स्रोत से जुड़े एलसीआर परिपथ में अधिक व्यय लगता शक्ति व्यय के लिए व्यंजक का निरूपण करना है अधिक वोल्टेज के लिए। अगला प्रश्न है, एक प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में एक संधारित्र तथा एक बल्ब जुड़ा है, बल्ब की चमक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 यहाँ पर ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं, इनको भी आप जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 21 है, प्रश्न नंबर 22 है, फिर प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं दोस्तों, 23 में फिर आएंगे, आगे बात करेंगे 24 ये देख सकते हैं, यंग के प्रयोग से फिर चौड़ाई के लिए आवश्यक व्यंजक को निरूपित कीजिए दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, तो इसको आप 100% तैयार कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसे आप कल के पेपर के लिए 100% तैयार रखेंगे। बाकी ये 2 प्रश्न और लास्ट में देख सकते हैं ये वाले, इन्हें भी 100% तैयार कर लेंगे। इसमें पूछा जा रहा है पौधा घर प्रभाव, ठीक है, पौधा घर प्रभाव को स्पष्ट कीजिए, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव को स्पष्ट कीजिए, और पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए ओजोन परत क्यों आवश्यक, ये भी स्पष्ट करना दोस्तों। इस तरह से आपके सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें पूछे गए थे, तो अब मैं लास्ट में ये बताना चाहूंगा कि पेपर आपका गेस पेपर था या फेक पेपर या फिर कल के लिए पेपर हो सकता है दोस्तों या नहीं, तो मैं बता दूं ये गेस पेपर तो 100% हो सकता है, क्योंकि इसमें ऐसे सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि कल के आदिवासी पेपर प्रश्न पत्र में आ सकते हैं दोस्तों। अब ये मैं आपको बता दूं कि ये पेपर हो सकता है कि नहीं हो सकता दोस्तों, तो ये पेपर कल के पेपर के लिए बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कल के पेपर में आपको रिक्त स्थान सही जोड़ी और सही विकल्प के साथ साथ रिक्त स्थान सही जोड़ी सत्य सत्य या फिर 1 नंबर के प्रश्न आने थे दोस्तों, इसमें डायरेक्टली आपसे पूरे के पूरे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये पेपर आपका गेस पेपर है या कहें सिंपल पेपर है, जो आपके सिलेबस पहले से जारी कर दिए गए थे उसी के आधार पर सारे प्रश्नों को बना दिया गया है और उसको सेट करके वायरल किया जा रहा है, ताकि स्टूडेंट का भ्रमित हो जाए या तो कहें यूं अपनी तैयारी करने की बजाय इस पेपरों को लेकर पढ़ने लगे, और हो सकता है कि इन प्रश्न पत्रों से एक भी पेपर ना आए, एक भी प्रश्न आए तो आपके लिए नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप स्वयं से पढ़ते रहें और कुछ इंपॉर्टेंट जो तो प्रश्न है उनको जरूर पढ़ सकते हैं, कोई डाउट नहीं उससे। आप सिंपल पेपर भी कर सकते हैं, सिंपल पेपर में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जाते हैं उनसे आप करेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन आप सिंगल इस पेपर के भरोसे बिल्कुल ना बैठिए, क्योंकि कई लोग पूछे जा रहे हैं मुझसे कि पेपर सर कल का पेपर हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो मैं आपको बता दूं कल का पेपर होने के चांसेस इसके 10% चांस बनते हैं दोस्तों, बाकी 90% मुझे चांस लग रहे कि गेस पेपर है जो कि पहले से तैयार किया गया था आपके सिलेबस जारी होने के बाद, जैसे आपका टाइम टेबल इसके बाद सिलेबस दिया गया था कि इन इन प्रश्न पाठों से आपको प्रश्न दिए जाएंगे, वहीं से इस सिलेबस को तैयार करके एक पेपर मॉडल जैसा बना दिया गया है, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि आपको बिल्कुल अपनी तरह मतलब तैयारी पर भरोसा रखिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके किस तरह से फेक पेपर आते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।